आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद्यार्थी में देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है वीडियो एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट आई है अभी कुछ ही समय पहले यूपी त्रिपलसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई है पूरी पीडीएफ है और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निश्चित की जैसे मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इसी हफ्ते वो काम पे लौटे हैं जो सचिव हैं और काफ़ी तेज़ी प्रक्रिया होगी 2-3 अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है और साथ ही साथ डीबी की भी डेट मिल सकती है तो हालांकि वही हुआ है और इसमें कई सारे चीज़ सस्पेंस में हैं डीबी में काफ़ी लंबा गैप किया गया है और सिर्फ 1533 बच्चों को क्वालिफाई करा गया है जो संदिग्ध बच्चे हैं उनके लिस्ट कब आएगी ये सारी डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे किसी भी अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। दोस्तों साथ ही साथ कई सारे क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं तो इसके लिए जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है uptriplesc.gov.in पर, ठीक है। और ये पूरी डिटेल्स दे रखी है 29 फरवरी मतलब शाम को ही जारी किया गया है इसको। पहले लाइन का पहला जो पैराग्राफ है इसमें दे रखा है कि 1953 पदों की जो 2018 की वैकेंसी थी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक की, तो इसके संदर्भ में कुछ सूचना है इसमें पूरी डिटेल्स दे रखी है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, ये सीधा सीधा देखिए, सम्मिलित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके अर्हता व अभिलेखाधिकारी का परीक्षण दिनांक 12/3/2020 मतलब 12 मार्च से 2 जून यहाँ पे आप देख ले लगभग 3 महीने का पूरा गैप किया जा रहा है और वैकेंसी को जानबूझ के खींचा जा रहा है। देखो फ्रेंड्स सीधा सीधा ये इनका फंडा है, नियर अबाउट इलेक्शन की तरफ हर चीज़ को कंपेटेबल कर रहे हैं जितनी भी वैकेंसी है यूपी त्रिपल से रिलेटेड स्पेशली यूपी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए उक्त सूची वन में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभिलेखाधिकारी परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि समय पर आवेदन प्रपत्र, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगी, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, वो सब कुछ है जैसे सभी वैकेंसियों के लिए होता है ऐसे इसमें भी होता है। वरीयता प्रपत्र तो मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी छाया पत्र सहित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन पिकअप भवन तृतीय तल जहाँ पे इन सब कुछ का होता है, ठीक है, स्थित कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जो डिटेल्स आएगी सब कुछ एक टाइम टेबल इसमें डिनोट किया जाएगा रोल नंबर के हिसाब से, तो वो भी मैं पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको बनाऊंगा जैसी प्रक्रिया आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, उक्त अभिलाषित परीक्षा है तो संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाती है वे सूची वन के साथ संलग्न विभागों की वरीयता प्रपत्र भरकर एवं अन्य वांछित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट uptriplesc.gov.in पर उपलब्ध एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर इस पे करके आपको सारी चीज़ डाउनलोड कर लेनी है, रोल नंबर वगैरह फिल करना है तो वो पूरा प्रपत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। वे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य चार प्रपत्र, हमेशा से ये चार प्रपत्र ही आपको एडवांस में लेके जाना होता है पूरा भर के, दिनांक 4/3/2020 को शाम 5 बजे उपरांत डाउनलोड करें, ठीक है, ये 4 मार्च के बाद से ही है, ठीक है। अभ्यर्थियों को ये भी सूचना दी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अभ्यर्थियों को यह सूचना दी जाती है कि निर्धारित तिथि को अभिलेखाधिकारी परीक्षण हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो उसे दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए कई सारे वैकेंसियों में दोबारा टाइम मिल जाता है बट इसमें इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी डीबी सेम टाइम पे करा लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर जो 3 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे समस्त विशेष अभ्यर्थी जिनके अनुक्रमांक आयोग की अधिसूचना --, ठीक है, दिनांक 28/6/2019 में सम्मिलित है परंतु उक्त सूची 1 में सम्मिलित नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंध में आयोग द्वारा जांच कार्यवाही प्रचलित है तथा जांच पूर्ण होने के उपरांत उनके अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम यथास्थिति पृथक से मतलब अलग से सूचित की जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, 1553, हालांकि मैंने शुरू में 1533 बोल दिया था, ये 53 है, इन लोगों की सूची है पूरा देख लीजिएगा इसमें, और यहाँ से पूरा रोल नंबर आप फिर से चेक कर सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि अपने नंबर को फिर से यहाँ पे मिला के लीजिए। देखिए कुछ लोगों को सस्पेंस पाया गया इसलिए उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, अब वो सेंटर के थ्रू हुआ हुआ चाहे जो भी हो वो मैं नहीं बता सकता जब तक कोई डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं, ये पूरी डिटेल दे रखी है, ये जितने लोग का रोल नंबर है अपना रोल नंबर मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें विभाग है तो वरीयता प्रपत्र है, अगर वरीयता आपको चाहिए तो ये आपको इस पर पूरी डिटेल्स को भर के ले जानी होगी, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। देखिए नियर अबाउट 1950 के आसपास में वैकेंसी है पूरी, ठीक है, ये थी पूरी अपडेट्स। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। और देखिए दोस्तों जैसा कि आपने एक बड़े प्लान तैयार किए थे 2 तारीख को धरना प्रदर्शन के, ऑलरेडी मुझे कई सारे लोगों ने मैसेज वगैरह किया था बताया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दे,
हालांकि मैंने पुराने वीडियो दोनों वीडियो में सब लोगों को यह आश्वस्त किया था कि आपको एक हफ्ते के अंदर पूरी नोटिफिकेशन कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वैसा ही हुआ है, पूरी डिटेल्स आपको मिल गई है। कोई क्वेश्चन हो तो कह रही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इंस्टेंट नोटिफिकेशन हमारे द्वारा दी गई हो और पूरी डिटेल डिस्कस की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।